तो यार गाइस स्वागत है हमारे नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 का और पोको M2 प्रो का। तो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी 64 है और सेकेंडरी 8 और 5 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। पोको M2 प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है आपको 48+5+8+2 ऐसा ही कैमरा सेटअप है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो यार पूरा कैमरा रिव्यू हम लोग अच्छे से करेंगे। कैमरा कंपैरिजन आप पूरा देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पोको M2 प्रो से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है स्लो मोशन 960fps पे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से डिटेल्स को भी कैप्चर किया गया है। हालांकि थोड़ी शार्पनेस कम है, मुझे शार्पनेस में थोड़ा सा इशू दिखा, बट ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह ठीक है। और ये मैंने सैमसंग गैलेक्सी F41 से कैप्चर किया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट आया है। और पोको M2 प्रो से मुझे स्लाइटली बेटर लगा, आप भी कंपैरिजन में देख सकते हैं यहाँ पे पोको M2 प्रो का और सैमसंग गैलेक्सी F41 का। तो फिर आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी F41 थोड़ा सा बेटर एक्सपोज्ड आया हुआ है। तो ये रहा फर्स्ट सैम्पल्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि लिप्स के जो कलर है वो थोड़े से बेटर एक्सपोज्ड आए हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 में। लेकिन मुझे F41 में थोड़ा सा ज़्यादा वार्म टोन देखने को मिला है और पोको में थोड़ा सा कूल टोन देखने को मिला है। और कलर सैचुरेशंस भी पोको में थोड़े से कम है। ओवरऑल दोनों ही पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये शॉट मैंने पोर्ट्रेट में कैप्चर किया हुआ, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर दोनों ही पिक्चर्स में काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है। वॉल के कलर्स भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए गए हैं और हाइलाइट्स भी प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। तो दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छे लगे हैं। इस सैम्पल शॉट में आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है, फ़ोटो भी ब्राइट आया है। और सैमसंग गैलेक्सी F41 ने थोड़ा सा बेटर एक्सपोज किया है फ़ोटो को एज़ कम्पेयर टू पोको M2 प्रो। और स्काई के कलर्स भी बेटर मेंटेन्ड है F41 में। पोको M2 प्रो में थोड़ा सा आपको कूल टोन भी देखने को मिलेगा। इस सैम्पल शॉट में अभी आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 का डायनेमिक रेंज पोको M2 प्रो से स्लाइटली बेटर है, लेकिन दोनों ही फोटो काफ़ी अच्छे से एक्सपोज आए हैं। पोको M2 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी F41 दोनों के ही कैमराज काफ़ी ब्राइट फोटो कैप्चर कर लेते हैं और ओवरऑल फोटो काफ़ी अच्छा आया है। तो नेक्स्ट सैम्पल शॉट लगाते हैं, और नेक्स्ट सैम्पल शॉट में आप देख सकते हैं ये एक पोर्ट्रेट शॉट है, मैंने रॉक का पिक्चर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फोटो में शार्पनेस और डिटेल्स इनफ है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर भी किया गया है, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल लग रहा है और दोनों ही फ़ोटो वेल एक्सपोज्ड आए हैं। तो ये सैम्पल शॉट में आप अगर वॉल की तरफ ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 ने थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड किया है वॉल को, और पोको M2 प्रो ने ओरिजिनल कलर वॉल का ज़्यादा बेटर मेंटेन किया है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको किस तरह का पिक्चर्स ज़्यादा पसंद आता है। इसमें भी आप देख सकते हैं वॉल के कलर में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी F41 ने थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड कर दिया है और पोको M2 प्रो ने एक्चुअल ब्राइट पिक्चर लिया हुआ है, बाकी डिटेल्स इनफ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको M2 प्रो में ज़्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं, F41 में आपको डिटेल्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं जूम के बाद। तो ये सैम्पल शॉट पोर्ट्रेट में कैप्चर किया गया है सैमसंग गैलेक्सी F41 में। आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि थोड़ा कूल टोन देखने को मिला है और पोको M2 प्रो में थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिला है। हालांकि पोको M2 प्रो के इमेज में ज़्यादा ब्राइटनेस भी है और ओवरऑल दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छे से निकल कर एक्सपोज आए हैं और डिटेल्स भी इनफ हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्राइमरी कैमरा तो हो गया। अब हम लोग फ्रंट कैमरा की तरफ आ जाते हैं। तो ये फ्रंट कैमरा से लिया गया, आप देख सकते हैं सैमसंग का थोड़ा सा ज़्यादा आपको सैचुरेशन देखने को मिलेगा, पोको M2 प्रो में सैचुरेशन थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, यानी इसमें कूल टोन ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। इस सैम्पल शॉट में भी आप नोटिस करेंगे तो फिर आपको सैमसंग में थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिलेगा और पोको में थोड़ा सा कूल टोन देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही काफ़ी वेल एक्सपोज पिक्चर्स आए हैं और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास। तो प्राइस को देखते हुए वैसे कुछ कंप्लेन नहीं है और दोनों ही मुझे कैमरास काफ़ी अच्छे लगे, ये भी आप शॉट देख सकते हैं। लेकिन मुझे सैमसंग में स्लाइटली डिटेल्स थोड़े बेटर लगे क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और पोको में आपको 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है। तो यार इन सारे सैम्पल शॉट्स को देख के मैं तो आपको यही कंसिडर करूँगा कि दोनों ही कैमरास प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और अभी तक तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो यार गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाय द वे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वो भी कर लेना, और जो भी यार सब कुछ कर देना, कितने बार बताऊंगा यार, कर देना कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।